हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा को टक्कर देने वाला वेज पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी गेहूं के आटे से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और साथ में बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा पराठा आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब पराठे के लेयर को अगर आप थोड़ा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो उसमें डालें 1 चम्मच घी। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी डालेंगे तो उसमें टेस्ट भी बढ़ेगा और साथ में पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और जैसे हम पराठे और रोटी बनाने के लिए डो गूंथते हैं ना सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही डो बना के हमें तैयार कर लेना है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हम इसका एक डो लगा लेंगे। आप आटे को जितनी अच्छी तरीके से मैश करते हुए इसका डो बनाएंगे, आपके पराठे उतने ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट डो बन के तैयार है। अब इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पराठे के लिए फिलिंग्स को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च लिया है, साथ ही 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 पीस हरी वाली मिर्ची बारीक रूप से कटी हुई। साथ ही मैंने यहाँ पे 8 से 10 चॉप की हुई लहसुन की कली ली है। अदरक और लहसुन से पराठे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 स्मॉल साइज का चॉप किया हुआ गाजर, बहुत ही बारीक रूप से आपको काटना है। साथ ही मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज़ लिया है, जिसे कि अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं पराठे बनाने के लिए, स्लाइस्ड भी और प्रोसेस्ड भी। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। हमने हरी वाली मिर्ची भी डाली है, तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्ची आप स्किप कर सकते हैं। पराठे को पिज़्ज़ा का टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केवल टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस को भी डालकर पराठा बना सकते हैं। साथ ही पिज़्ज़ा में जो हर्ब्स डलाते हैं जैसे ऑर्गेनो, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल रही हूँ। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप ही कर दें। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और सॉसेज में भी नमक होते हैं, और साथ ही हमने आटे में भी नमक डाला है। अब इन सारे मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरीके से पराठा बनाते हैं तो एक तो वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं आपको और साथ में पिज़्ज़ा वाला टेस्ट भी मिल जाता है। तो ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। आप इसमें चाहो तो प्याज भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो पराठे के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है और साथ में यहाँ पे आटा भी सेट हो चुका है। तब हम इसमें से एक बड़ा सा पेड़ा निकाल लेंगे। देखिए, जितना आप रोटी या पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा आपको बड़ा पेड़ा लेना है। अब हम सूखा आटा ले लेंगे डस्टिंग के लिए और इसमें अच्छे से लोई को हम लगा लेंगे। अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो हमें इसका पतला शीट बेल के तैयार करना है, जैसे आप रोटी बेलते हो ना, बिल्कुल वैसे ही पतला। तो आप अगर आपको आटे की ज़रूरत पड़े तो सूखे आटे की, तो आप उसको लगाकर बेल सकते हैं इसका पतला शीट। तो देखिए, मैंने इतना बड़ा गोल एक शीट बेल के तैयार कर लिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे हमारा ये फिलिंग्स। अच्छे से चारों तरफ हम फैला देंगे चम्मच की सहायता से। और चारों तरफ कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे पानी। तो हल्का हल्का पानी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं लगाएंगे इसमें। अब इस तरीके से हम एक कॉर्नर को उठाएंगे और इस बीच में रख देंगे। हम दोनों तरफ के कॉर्नर को इस तरीके से बीच में लाकर चिपका देंगे, तो ये ट्रायंगल का शेप हो जाएगा। जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। नीचे से थोड़ा सा अगर आपका बच जाए तो आप इसे टर्न करें और फिर इसे इस तरीके से चिपका दें। बस अच्छे से चिपकाएं कि आपका पराठा सेकने समय फटे ना। हमारा एक पराठे का शेप बनके तैयार है।
अब इसी तरीके से हम बारी बारी से बाकी का शेप भी देकर तैयार कर लेंगे। आप इसे प्लेट में रखने के पहले थोड़े से आटे से डस्टिंग कर दें, नहीं तो हो सकता है ये चिपक जाए प्लेट में रखने के बाद। और जिस भी प्लेट में रखिए उसे भी अच्छे से आटे से डस्टिंग कर दें ताकि ये चिपके ना, या तो फिर आप इसे डायरेक्ट उठा के तवे पर भी सेक सकते हैं। तो अब हम पराठा सेकने के लिए यहाँ पे गैस ऑन करेंगे और उस पर एक तवा चढ़ाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और तवा जब हल्का सा हीट हो जाए तब हम उसमें इस पराठे को डाल देंगे। पराठा डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से लगने देंगे, तभी इसे टर्न करेंगे। पराठे को हमें बहुत अलट पलट भी नहीं करना है, नहीं तो अंदर में चीज़ है तो वो मेल्ट होकर बाहर आने लगेगा अगर हम इसे ज़्यादा अलट पलट करेंगे तो। तो एक तरफ से हम इसे सिकने देते हैं सबसे पहले। तो पराठा एक तरफ से हल्का सा सिक गया है, 1 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे टर्न करेंगे। देखिए टर्न करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी इसे सेकेंगे अच्छे से। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब इस पे हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप पराठे को बटर या फिर घी में भी बना सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे पलट के। ये देखिए अब जैसे जैसे पराठा हमारा सिकता जाएगा वैसे वैसे पफी भी होता जाएगा। पराठे में धीरे धीरे अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। अच्छे से कॉर्नर्स को हम दबा देंगे ताकि कॉर्नर्स कच्चे ना रहें। गेहूं का आटा है तो ये ज़रा सा भी अनहेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक पराठा सीख कर रेडी हो गया, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हम सीख कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा भी सीख कर तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको पराठे को कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा कटर की सहायता से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए इतना अंदर में ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी पराठा बनके हमारा तैयार हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पिज़्ज़ा की तरह कट करके बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए, है ना। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मुंह में देखते ही पानी आने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर इसे ट्राई करें, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आएगी, साथ में आपको भी पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।